तो दोस्तों, भारत और रूस को लेकर आज एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आई है और भारत ने एक बार फिर से रूस के साथ दोस्ती निभाई है और रूस का माल दबाकर भारत ने खरीदा है। वहीं इस खबर से अमेरिका को एक बड़ा झटका लग चुका है क्योंकि अमेरिका से भारत का इम्पोर्ट अचानक से धड़ाम से नीचे गिर चुका है। दरअसल आज भारत और रूस के आयात और व्यापार के बारे में एक बड़ा डेटा प्रस्तुत हुआ है जिसमें भारत और रूस ने एक बार फिर से सारे रिकॉर्डों को तोड़ दिया है और रूस की तरफ से भारत को करीब 16,40,000 बैरल का कच्चा तेल हर दिन भेजा गया है और लीटर में बात करें तो करीब 26,07,00,000 लीटर जो कच्चा तेल है वो हर दिन रूस से भारत आया है, जो कि अब तक का सबसे अधिकतम आयात है रूस से भारत का। और इस प्रकार से भारत और रूस की दोस्ती ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और ऐसा ही चलता रहा तो हमारा व्यापार जल्द ही $50 बिलियन को टच कर जाएगा। और रूस भारत का मार्च महीने के अंदर भी सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर देश बना रहा और अभी रूस से करीब 34% का जो कच्चा तेल है वो भारत आया है। दूसरे नंबर पर है सऊदी अरब, जिससे करीब 9,46,000 बैरल पर दिन यानी करीब 16,68,00,000 लीटर का कच्चा तेल हर दिन सऊदी से भारत ने मंगाया है। वहीं तीसरे नंबर पर है इराक और इराक से भारत करीब 8,81,000 बैरल, जो कि लीटर के अंदर बैठता है करीब 13 करोड़ लीटर, और इतना जो कच्चा तेल है वो हर दिन इराक से भारत ने मंगाया है। और रूस अब भी नंबर वन ऑयल सप्लायर बना हुआ है, परंतु अमेरिका को इस डेटा से इसलिए झटका लगेगा क्योंकि अमेरिका से भारत ने करीब 1,36,000 बैरल ही कच्चा तेल हर दिन मंगाया है, जो कि पिछले साल करीब 4,21,000 बैरल के आसपास हुआ करता था। और ऐसा सब कुछ होने के पीछे बड़ी वजह यह है कि भारतीय रिफाइनरियों को दुनिया भर में सबसे सस्ते दामों के अंदर रशिया का ही कच्चा तेल मिला है, इसलिए भारत ने भर भर के रूस से सस्ता कच्चा तेल मंगाया है और अन्य देशों से जो कच्चे तेल का इंपोर्ट है वो नीचे गिर चुका है। वैसे आप सभी किस टॉपिक के अंदर क्या राय हो, और जब रूस से भारत को इतना भारी भरकम डिस्काउंट मिल रहा है तो क्या भारत को और ज्यादा मात्रा में रूस से कच्चा तेल लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में। प्रिया अवस्थी जी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।